शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा नाम आगरा वनस्थली विद्यालय आगरा। निकफिर ग्रुप दे रहा है हाईटेक सुविधाओं के साथ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। डॉलिस पब्लिक इंटर कॉलेज बल्केश्वर कॉलोनी आगरा। आगरा वनस्थली प्राइमरी विद्यालय ट्रांसमुना कॉलोनी आगरा। किड्स वनस्थली पब्लिक स्कूल कालिंदी विहार आगरा। AVMD ग्राम समाई एदमादपुर आगरा। समस्त विद्यालयों में उच्च प्रशिक्षित शिक्षक, शानदार साइंस लैब, लाइब्रेरी, खेल कूद के साथ मानसिक शिक्षा CBSE नई दिल्ली द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालय में कक्षा 1 से कक्षा 12वीं के छात्रों के लिए साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स की सुविधा की जाती है। पढ़ेगा देश तो बढ़ेगा देश की सोच के तहत मिकफ्रे ग्रुप के विद्यालय आपके नौनिहालों के भविष्य को संभालने का काम कर रहे हैं। स्टूडेंट्स के लिए सुरक्षित बस सुविधा उपलब्ध की जाती है। प्रवेश प्रारंभ। अपने बच्चों के उज्ज्वल भविष्य के लिए संपर्क करें 9897189067 9412395795। पंचशील कॉलोनी देवरोठा आगरा में आयोजित 28वीं भीम नगरी महोत्सव 2023 के प्रस्तावित विकास कार्यों की शुरुआत कराने के लिए बेबी रानी मौर्य बाल पुष्ट आहार मंत्री उत्तर प्रदेश ने विकास कार्यों से संबंधित शिला पट्टिका का अनावरण किया। इस अवसर पर CDO ए मणिकंडन भी मौजूद रहे, भीम नगरी महोत्सव स्थल का निरीक्षण किया। क्षेत्रीय भीम नगरी महोत्सव आयोजन समिति ने इस अवसर पर मंत्री बेबी रानी मौर्य का जोशीला स्वागत सम्मान किया। क्षेत्रीय भीम नगरी महोत्सव समिति ने मंत्री बेबी रानी मौर्य दिए गए विकास कार्यों के आश्वासन के लिए आभार व्यक्त किया और बताया कि क्षेत्र के विकास और सड़क निर्माण के लिए 3,65,00,000 का बजट निर्धारित किया है। भीम नगरी आयोजन समिति और क्षेत्रवासी खासे खुश और उत्साहित नजर आए। देखिए अभी तो सड़क का उद्घाटन किया है, उद्घाटन करने जा रही हूँ, हुआ भी नहीं है। यहाँ पर भीम नगरी सज रही है तो दोरेठा में जो हमारी इतनी गंदी गलियां थी, लोग चल नहीं पाते थे। अगर ये रोड बन जाएगा तो इसमें हजारों लोगों को फायदा होगा और इस रोड को हम पूरा करेंगे और जो बचेगा उसे मैं आगे अपने लाइब्रेरी से कि PWD द्वारा ये रोड का माननीय बेबी रानी मौर्य कैबिनेट मंत्री हैं, उन्होंने आज इसका उद्घाटन किया है। तो उद्घाटन में उन्होंने 3,65,00,000 रुपये की जो शिला पट्टिका है उस पर काम होगा और बाकी जो काम रह गए हमारे क्षेत्र में उनके लिए भी आश्वासन उन्होंने दिया है कि पूरा काम क्षेत्र में कराएंगे और हमारा जो भीम नगरी का कार्य भव्य होगा। आज बहुत अच्छा रहा बहन जी के आने पर और सीधे साहब के आने पर, जो हमारी इच्छा थी वो पूरी हो गई लगभग, और आगे के लिए चाहते हैं कि वो रोड भी आगे और बढ़ जाए। पूरी हो गई आज, यही है कि बस रोड का पैसा आ गया, रोड का उद्घाटन हो गया। कितना पैसा? 3,64,00,000 का बढ़ गया है, थोड़ा सा बढ़ गया। हाँ। तो कैसा खुशी महसूस कर? बहुत बहुत अच्छी खुशी है। और मकानों की क्या? और मकानों की स्थिति है कि ये बात जो है सबके सामने खुलनी थी, पंचशील का सभी लोग साथी तैयार हैं और सबके आगे खुलना जरूरी था, क्योंकि एक दो आदमी जो राजी नहीं है वो भी जो है अब शांत हो जाएगा। ठीक है, उनको मकान के बदले मकान मिल जाएगा, आप लोगों को रास्ता मिल जाएगा। सबसे पहले मैं सर्वप्रथम उत्तर प्रदेश सरकार में महिला और बाल विकास पोष्ट आहार कैबिनेट मंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं कि भीम नगरी का जो उद्देश्य था प्रत्येक क्षेत्र में देने का कि उस क्षेत्र का विकास, हम उसमें एक कदम आगे बढ़ गए हैं। आपने देखा होगा आज उद्घाटन के तौर पर 3,65,00,000 रुपये का एक शिला पट्टिका का अभी फीता काट करके माननीय मंत्री जी ने उद्घाटन किया है, तो उससे ये कम से कम हम लोग आश्वस्त हो गए कि इस क्षेत्र में विकास की अब जो पहला कदम है वो आगे बढ़ गए और जितने भी कार्य हैं जो हम लोगों ने अपने फोल्डर के माध्यम से दिए थे उनके होने की पूर्ण उम्मीद है, क्योंकि CDO साहब से भी हम लोगों ने वार्ता की थी। CDO साहब ने कहा कि फंड हमारे पास आते जा रहे हैं, हम भीम नगरी के बाद तक महीने, डेढ़ महीने, दो महीने तक कार्य पूरा करा के देंगे जितने आपने दिए हैं। राज्य तमाम कॉलोनी के क्षेत्र के निवासियों द्वारा एक हर्ष और खुशी का एक विषय है जो अभी माननीय बेबी रानी मौर्य कैबिनेट मंत्री के माध्यम से अभी जो इस मास्टर प्लान रोड का पंचशील कॉलोनी का जो शिलान्यास हुआ है उस पर वाकई खुशी महसूस हो रही है। साथ ही साथ मैं इसको ये बताना चाहूँगा, अपनी केंद्रीय कमेटी और आयोजन कमेटी का तो सहयोग रहा ही रहा और बेबी रानी माध्यम से, पर ये अभिनव जी उनके जो पुत्र हैं उनका बहुत बड़ा योगदान रहा। मैं और मेरे टीम के और लोग कई बार अभिनव के नेतृत्व में CDO साहब, जिलाधिकारी, आज तमाम प्रशासनिक अधिकारियों के साथ गए। वाकई अभिनव जी का एक बार मैं इस चैनल और माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ आपका धन्यवाद जो उन्होंने एक्टिव से मांग लिया। आपका भी धन्यवाद।